हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये रेसिपी। और मैं ये बनाने वाली हूँ आज अरबी के पत्ते के पकोड़े, जो सबसे इजी और सबसे आसानी से और तुरंत बनने वाले पकोड़े हैं, जो आप कभी भी बना के खा सकते हैं अरबी की पकौड़ी। तो अभी मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और उनको मैं कट कर रही हूँ। तो देख रहे हो आपने, मैं उनका बीच में जो डंठल होता है वो निकाल दिया है और अभी मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो अभी आपको अपने एकदम अच्छे से उसको बारीक बारीक चॉप करना, जैसे पालक के पत्ते करते हो, मूली के पत्ते करते हो वैसे ही। और ऐसे मैंने रोल बना के इसको भी मैं चॉप कर लूँगी सारे। तो अभी मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने सारे पत्ते डाल लिए हैं अरबी के, और उनको पत्तों को आपको अच्छे से डाल के उसमें आपने, अगर आपको स्वाद के अनुसार प्याज डालना तो मैंने एक प्याज लिया है, आप भी डाल सकते हैं। और वैसे ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है कुटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, जो थोड़ा सा मैंने लिया है, जिससे बहुत अच्छे क्रिस्पी पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उनका। तो ये भी आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। अभी मैं भर के ले रही हूँ 1 चम्मच, जो अपना सब्जी बनाते हैं वाला स्पून भर के मैंने पूरा लिया है बेसन का। और इसमें कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जैसे कि सूखे मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने अभी नहीं डाला है। और हम थोड़ा सा पानी लेंगे, मैंने एक छोटा गिलास पानी का लिया है, उसमें से मैं थोड़ा सा उसमें डाल रही हूँ। तो देखो, पहले हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है, पानी ज़्यादा पहले से ऐड नहीं करना है, बहुत कम मात्रा में ही पानी में हमारा ये बैटर बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी देखिए, एकदम से उसको हाथ की सहायता से ही आप इसको अच्छे से, जिसे आटा लगाते हैं वैसे उसको अच्छे से मिक्स करना है बेसन में और पूरे मसालों को। तो अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पानी इतना सा लगा है, आधा गिलास भी नहीं लगा है पूरा, और मेरा बैटर बनके रेडी हो चुका है। तो थोड़ा हाथ की सहायता से इसको थोड़ा स्मूथ कर लीजिए अड़ी अच्छा सा, जिससे क्या होगा, पत्ते अच्छे से मतलब बेसन में गोट हो जाएंगे। और इस प्रकार ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं पकौड़ी। तो हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है, आपके पास जो भी कढ़ाई है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहले से पूड़ी बनाई थी मैंने, ऑयल वो बचा हुआ था, मैं इसको छान के ले लिया है वापस से, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल करेंगे वापस से। तो यहाँ पे मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके जो भी घर में अवेलेबल है वो। तो मैं, तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ ये थोड़ी सी पकौड़ी। हम डाल के देखेंगे पहले कि तेल गर्म है या नहीं है। तो मेरा तेल गर्म है, तो अब मैं इसमें डालना स्टार्ट कर रही हूँ पकौड़ी। पहले हम थोड़ी सी डालेंगे, 4-5, इतनी ही अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद हम दोबारा से उसको अच्छा से बनाएंगे। तो अभी मेरा जो भी जितना हाथ में आ रहा है उतना उतना मैं लेके डाल रही हूँ, इसका बड़ा नहीं डालना है तो वो क्रंची भी नहीं बनेगी और इसमें मतलब एक ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा ही अब डालिए उसको। तो मैं डाल दिया है और अभी मैं इसको ऑयल में अच्छे से मतलब डूबने दूंगी, जिससे क्या होगा कि ऊपर तक मतलब पकौड़ी जल्दी से पक जाए। तो अभी पकौड़ी हमारी बन रही है, देखिए, और हमें इसको हिलाते रहना है, उलट उलट करते रहना है, जिससे क्या हो, पकौड़ी अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और अंदर तक पक जाए, जिससे क्या है, पकौड़ी का बराबर चारों तरफ से आंच लगेगी तो वो अच्छे से पक जाएगी। अभी देखिए मेरी पकौड़ी एकदम क्रंची है और एकदम सुनहरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और ये भी हम निकालेंगे इसको भी। तो अभी मैं सेकंड पार्ट भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सारे एक साथ ही बना लेती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने सेकंड में थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि तेल अच्छा गर्म है, तो मैंने डाल दिया है। और इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी, इनको भी हम अच्छे से दोनों साइड से पलट पलट करके सेक लेंगे। तो सेकंड टाइप भी मेरा ये कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी मैं इनको एक प्लेट में निकाल लिया है स्टील की। आप पेपर इनके ऊपर मत निकालिए फ्रेंड्स, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर